Good morning, students. Today in English we are going to start a new poem. Lesson number 9. Granny, Granny, please comb my hair. मतलब यहाँ poem के name क्या है? Granny, 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 Granny यानी कि grandmother. हमारी जो grandmother होती है, हमारी दादी, उसको यहाँ short form में लिखा है Granny. तो Granny, Granny, please comb my hair. मतलब मेरे हेयर बना दो. मतलब यहाँ पे लिखा है ग्रेनी ग्रेनी प्लीज कॉम माई हेयर. दादी दादी मेरे हेयर बना दो. पोएम का नेम ये है. ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क इन टूडेज डेट 21/12/2020. हेडिंग देना है आपको हार्ड वर्ड्स, एच ए आर डी डब्ल्यू ओ आर डी एस, हार्ड वर्ड्स. फर्स्ट ग्रेनी, जी आर ए डबल एन वाई, G R A डबल N N N Y, ग्रेनी यानी कि दादी माँ, ग्रैंड मदर. नंबर टू प्लीज, P L E A S E, प्लीज. प्लीज हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये काम कर दो, मुझे ये दे दो, तो हम क्या यूज करते हैं? प्लीज गिव मी, प्लीज ऐसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, राइट. नंबर थर्ड कॉम्ब, C O M B, कॉम्ब यानी कि कंघी. हमारे हेयर बनाते हैं कोई, तो हम इससे हमारे हेयर बनाते हैं, कॉम्ब से, राइट. नंबर फोर एच ए आई आर हेयर, हेयर मतलब हमारे जो बाल होते हैं वो, एच ए आई आर हेयर. नंबर फाइव ऑलवेज, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज. नंबर सिक्स टेक, टी ए के ई टेक, टेक यानी लेना. नंबर सेवन टाइम, टी आई एम ई टाइम यानी समय. एट एस यू एस यू सी एच, सच, सच यानी कि जैसे की, एस यू सी एच, सच यानी कि जैसे की. नाइन केयर, सी ए आर ई केयर यानी संभाल लेना, संभाल संभाल करना, सी ए आर ई केयर. नंबर टेन पुट, पी यू टी पुट यानी रखना. नंबर इलेवन सिट, एस आई टी सिट यानी बैठना. सी यू एस एच आई ओ एन कुशन, सी यू एस एच आई ओ एन कुशन यानी कि जो हमारा तकिया होता है, हम सोफे पे रखते हैं है ना, बेड पे लगाते हैं, तो वो तकिया जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुशन. बिटवीन, बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, बिटवीन यानी कि बीच में, बी ई टी W डबल E एन बिटवीन यानी कि बीच में. 14 नीज, K N डबल E S नीज यानी कि घुटने, हमारे जो घुटने होते हैं वो, K N डबल E S नीज. रब, R U B, रब यानी कि घिसना. यहाँ पे रब यानी कि इस फॉर्म में उसका मीनिंग है घिसना, यानी कोई चीज़ हमें मिटा देनी होती है तो हम रब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में उसका मीनिंग है घिसना. L I डबल T L E लिटल, लिटल यानी कि छोटा. कोकोनट, C O C O N U T कोकोनट, कोकोनट यानी कि नारियल, जो हम कोकोनट ट्री होता है वो वाला कोकोनट. ऑयल, O I L ऑयल यानी कि जो हम बालों में तेल लगाते हैं ना, कोकोनट ऑयल आता है जो हम लगाते हैं यहाँ पे इस फॉर्म में वो है. पार्टिंग, P A R T I N G पार्टिंग यानी कि कोई चीज़ होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टिंग, पी ए आर टी आई एन जी पार्टिंग. जेंटल, जी ई एन टी एल ई जेंटल यानी कि स्मूथली, कोई चीज़ को हम स्मूथली करते हैं कि हमें दर्द ना हो, वैसे जेंटली, जेंटली मतलब स्मूथली करना, जी ई एन टी एल ई जेंटल. 21 ब्रीज, बी आर डबल ई जेड ई ब्रीज यानी कि यहाँ पे हवा का झोंका मीनिंग होता है, ब्रीज का क्या होता है? हवा का झोंका. 22 मम्मी, एम यू डबल एम वाई मम्मी, एम यू डबल एम वाई मम्मी यानी कि हमारी मदर. 23 हरी हरी, एच यू डबल आर वाई हरी, एच यू डबल आर वाई हरी, हरी हरी मतलब जल्दी जल्दी में. 24 रश, आर यू एस एच रश यानी कि हड़बड़ी में, कोई भी काम हम जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? हरी हरी रश. 25 पुल्स, पी यू डबल एल एस पुल्स यानी कि खींचना.
26 समटाइम्स एस ओ एम ई टी आई एम ई एस समटाइम्स यानी कि कभी कभी. 27 टग्स टी यू जी एस टग्स यानी कि जोर से खींचते हैं ना वो टग्स. 28 वर्ल्ड डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड यानी कि दुनिया जहाँ है ना. 29 फिनिश्ड एफ आई एन आई एस एच ई डी फिनिश्ड यानी कि खत्म पूरा हो गया फिनिश्ड एफ आई एन आई एस एच ई डी. 30 टर्न टी यू आर एन टर्न यानी कि घूमना टी यू आर एन टर्न यानी कि घूमना. 31 एच ई ए डी हेड एच ई ए डी हेड यानी कि सिर. 32 से एस ए वाई से यानी कि कहना. 33 एन ओ डब्ल्यू नाउ नाउ यानी कि अभी अभी. 34 नाइस एन आई एस सॉरी एन आई सी ई नाइस यानी कि अच्छा. 35 गर्ल जी आई आर एल गर्ल यानी कि लड़की. ये आपको होमवर्क में 2 times दिखना है इन नोट नंबर 1 ओके. इंग्लिश की नोटबुक में आपको ये आपको 2 times दिखना है 1 time इन क्लास वर्क एंड 2 times इन होमवर्क ओके.